आज हम देख लेंगे डोमेन नेम जनरेटर सीरीज के इस वीडियो में तीन और टूल जहां से आप डोमेन नेम या बिजनेस नेम जनरेट कर सकते हैं। आज का हमारा पहला साइट है नेम बाउंस। इसमें आप देख सकते हैं ये बिजनेस नेम जनरेटर है, तो यहां पे आपको वर्ड देना है और यील्ड यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे .com रहने देंगे और आप गो पे क्लिक कीजिए। तो ये सर्चिंग फॉर नेम शो कर रहा है, अभी बहुत सारे नेम आ चुके हैं सर्च बाई टर्म फिल्टर। यहाँ आप मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम सिलेबल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे अवेलेबल दिखा रहा है, आप क्लिक करके कंफर्म हो सकते हैं। जैसे हम नंबर ट्रेवल के क्लिक करेंगे तो ये नॉट अवेलेबल है, तो आपको क्लिक करने के बाद ही पता चलेगा ये अवेलेबल है या नहीं। ट्रेवल एमरल्ड, हाँ ये अवेलेबल है, तो यहाँ से आप नेम जनरेट कर सकते हैं। आज का दूसरा साइट है नेम स्मिथ। इसमें भी आप सिंपली एक वर्ड दीजिए और सर्च कीजिए, तो ये रैंडमली नेम जनरेट करता जाएगा। जैसे ट्रैवल एंच, ट्रैवल एंटीज, एक ट्रैवल, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को ये मिक्स करके नेम जनरेट कर रहा है। और यहाँ से आप TLD चूज कर सकते हैं। यहाँ पे चार TLD सिलेक्टेड है, इसीलिए .NET के साथ भी रिजल्ट आ रहा है। अगर हम इसे अनचेक कर देंगे इन सबको, तो फिर अभी जो आएगा वो .com के साथ आना चाहिए, फिर से ये सिलेक्ट हो गया। तो आप इसे भी यूज़ करके देखिए। और आज का लास्ट साइट है badname.com। इसमें आप कम से कम तीन या चार वर्ड्स दीजिए, ये सारे वर्ड्स को मैसअप करेगा और उसके बाद एक नेम जनरेट करके आपको देगा। तो हम इसमें दे देंगे टूर, ट्रैवल, कंट्री, हॉलीडे और चलिए सिनिक दे देते हैं और सर्च। अभी बस तीन डोमेन नेम आ रहा है, इनको मैच करके जो वर्ड्स ये साइट बनाया है, जैसे tourscenic.com, holidayscenic.com, ये तीन ही डोमेन अवेलेबल हो सकता है। तो हम कोई और वर्ड दे देते हैं, जैसे food, health, अभी देखते हैं countryhealth.com, इसमें एक ही डोमेन अवेलेबल दिखा रहा है। तो आप तीन चार वर्ड्स को मैसअप करके ऐसे डोमेन नेम जनरेट कर सकते हैं। हम तीन देखे एक बार सर्च करते हैं, तो कोई डोमेन नेम नहीं आ रहा है। तो यही था आज के तीन टूल, मिलेंगे और टूल के साथ अगले वीडियो में।